हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूँ आपका मछली वाला भैया उन्मेश टहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं देसी शार्क मछली पालन के बारे में। देसी शार्क मछली का मतलब है पंगासस मछली, जिसको हम लोग देसी भाषा में जासर मछली भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, पंगास मछली एक ऐसी मछली है जो आपकी कार्प मछलियों के मुकाबले आप उसको एक साल में डबल फसल ले सकते हैं। साथ ही साथ इसके लिए वाटर पैरामीटर्स को ज़्यादा हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये लो डीजल ऑक्सीजन में, हाई अमोनिया में भी अच्छे से ग्रोथ कर लेती है। इस वजह से इस मछली को हम लोग हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में पालन करते हैं। देखिए, पालन करने का अलग अलग तरीका है। या तो आप पंगासस मछली को सिर्फ मोनोकल्चर में पालन कर सकते हैं, या फिर उसको आप कार्प मछलियों के साथ भी पालन कर सकते हैं। अगर आप मोनोकल्चर इसका पालन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपकी स्टॉकिंग डेंसिटी कितनी रखनी है। वहीं अगर पॉलीकल्चर बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप कार्प मछली के साथ या फिर दूसरे और कैटफिशेज जैसे रूपचंदा मछली हो गया है ना, या फिर आपकी तलपिया मछली हो गया, उन मछलियों के साथ भी आप इसका पालन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी पंगास मछली का पालन करिए दोस्तों, तो तालाब का एक प्रॉपर एरिया आपको डिसाइड करना है। लगभग आपके पास आधा एकड़ का तालाब अगर है, 50 डेसिमल का तालाब है, तो पंगास मछली के लिए बहुत अच्छी बात है। और बड़ा तालाब अगर आपके पास है 2 एकड़ 3 एकड़ का, तो वो और अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा बड़े तालाब में आप ज़्यादा मछली स्टॉक कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो एवरेज जो हमारे किसान भाई जिनके पास तालाब होगा, लगभग अगर 50 डिसमिल का भी तालाब होगा, तो उसमें आप पंगास मछली का पालन कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस मछली का जो मार्केट प्राइस है बहुत जगह 90 रुपये 95 रुपये होता है, बहुत जगह 115 से 120 रुपये होता है, बहुत जगह 150 रुपये भी होता है। तो आपके साइड अगर इस मछली का डिमांड होगा तब इस मछली का पालन करिए, क्योंकि इस मछली को आपको कंपनी वाले फिट पर ही अच्छे से इसको पालन हो पाती है। तो इसी वजह से मैं ये सलाह दूंगा कि आप इस मछली का, अगर आपके पास मार्केट प्राइस लगभग 115 से 120 रुपये भी होगा, तो आप इस मछली का पालन कर सकते हैं। 150 रुपये 200 रुपये भी किलो अगर आपको मिलता है तो अच्छी बात है ना। लेकिन अगर 90 रुपये 95 रुपये के भाव में अगर इस मछली को आप बेचोगे, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम हो जाता है। तो जिन किसान भाइयों के पास, जिस एरिया में इस मछली का डिमांड ज़्यादा होगा, इस एरिया में इस मछली का पालन करिए। पालन करने के लिए सबसे पहले तालाब की तैयारी जो हम लोग करते हैं, फर्मेंटेशन करके आप अच्छे से प्राकृतिक भोजन बनाइए, फिर मछली का स्टॉकिंग करिए। स्टॉकिंग के लिए अगर आप मोनोकल्चर पालन कर रहे हैं, सिर्फ पंगास को ही अपने तालाब में छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आपके पास अच्छा कंपनी वाले खाना खिलाने के पैसे होंगे, तो आप उसको पर एकड़ में 15,000 तक बच्ची छोड़ सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा फार्म मेड फीड भी डालेंगे, थोड़ा सा कंपनी वाले फीड भी खिलाएंगे, तो आप पर एकड़ 10,000 तक इस मछली को आप तालाब में छोड़ दीजिए, है ना। और अगर आप कार्प मछली के साथ इस मछली का पालन करना चाहते हैं, तो आप पर एकड़ 1 एकड़ में लगभग आप 2,000 बच्चे पंगास का डालिए, और 3,000 बच्चे आप IMC के, जिसमें कतला रोहू मृगल मिक्स करके आप अपने हिसाब से कम एडवांस साइज़ के बच्चे डालिए। एकदम छोटा साइज़ का 3 इंची 2 इंची बच्चा ना डालिए, थोड़ा सा बड़ा बच्चा डालिए, और पंगास का थोड़ा सा छोटा बच्चा डालिए। क्योंकि पंगासस क्या है, इसमें थोड़ा सा दूसरे मछली को ये खाने का स्वभाव होता है, जिसको हम लोग कैनिबलिज्म बोलते हैं, परभक्षिता बोलते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा बड़ा साइज़ का IMC बच्चा डालेंगे पंगासस के मुकाबले, तो वो ज़्यादा अच्छे से दोनों एक साथ रह पाएंगी, है ना। फीडिंग, अगर शेड्यूल की बात करें, फीडिंग मैनेजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी मछली को कम समय में तैयार करने के लिए। अगर आपका लक्ष्य है कि मुझे साल में 2 बार फसल लेनी है, तो आप कोशिश करिए कि अभी ठंड, जैसे नवंबर आने वाला है, तो इस समय आप पंगास मछली आपका अच्छी तरीके से हार्वेस्ट हो जाए। वहीं आप दूसरा फसल लेंगे पंगास का, तो आप कोशिश करिए कि गर्मी की स्टार्टिंग में आप पंगास मछली डालिए, और गर्मी के ख़त्म होते होते पंगास मछली को आप हार्वेस्ट कर लें। तो इस प्रकार 2 फसल आप अच्छे से इस मछली का ले सकते हैं। फीडिंग क्या करा जाए, फीडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। फीडिंग के लिए मैं आपको प्रिफर करूंगा कि एक अच्छी कंपनी का, जिसमें प्रोटीन की मात्रा स्टार्टिंग में कम से कम 2 से 3 महीने आप 32% वाला जो प्रोटीन वाला खाना है वो खिलाइए, बाकी 3 से 4 महीने आप आसानी से 28% जो प्रोटीन वाला खाना आता है ना, 28-4, उसको आप अपने हिसाब से फिटिंग कराइए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पंगासस मछली को अगर आप फार्म में खिलाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको खली,
राइस ब्रैन, उसके साथ आपको फिश मील की आवश्यकता पड़ेगी। फिश मील मतलब जो मछली होता है उसका पाउडर जो होता है उसको आपको अपने खाने में मिलाना पड़ेगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा एनिमल बेस्ड प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी वजह से आप अगर फिश मील अपने खाने में डालेंगे तो इस मछली का ग्रोथ फास्ट होगा। और एक चीज़ और, इस मछली को खाना इतना ज़्यादा खा लेती है कि बहुत बार इस मछली में बीमारी लग जाती है। तो ये मैं कोशिश करिए कि आप पंगास मछली का जो फीड चार्ट होता है, फीड चार्ट उसको ज़रूर आप फॉलो करिए, फीड चार्ट के अनुसार से फीडिंग कराइए। ठंड का मौसम है तो 2 से 3 दिनों में एक बार फीडिंग कराइए, गर्मी का सीजन है तो कम से कम 3 टाइम आप इस मछली को फीडिंग कराइए, क्योंकि ये मछली ऐसा है कि जितनी बार आप इसको फीडिंग कराएंगे ये मछली उतनी बार अच्छे से फिट करती है। ये इसके तालाब में आपको फीड बचता हुआ नहीं दिखाई देगा, है ना। और दूसरी बात कि यार, जब हम लोग ना हाई स्टॉकिंग में जब मछली का पालन करते हैं तो अपने को वाटर पैरामीटर्स को ज़रूर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होगा कि आपके तालाब में ऑक्सीजन की भले ही कमी ना हो जाए लेकिन बीमारी तो लग सकती है ना मछली को। तो अगर आप वाटर पैरामीटर्स को अच्छे से चेक करते रहेंगे ना तो वो बीमारी अचानक से आपको दिखता है वो पहले से ही ठीक हो जाता है। उसको बीमारी लगने से पहले ही अगर आप पानी को ध्यान देंगे तो बीमारी मछली में नहीं फैलेगी और उससे पहले ही मछली ठीक हो जाएगी। तो मैं कम से कम आप 3 दिनों में एक बार तालाब में डीजोल ऑक्सीजन, पीएच और अमोनिया को ज़रूर आप चेक करिए, और समय समय पर पाउंड सैनिटाइज़र डालिए, अच्छी कंपनी का पाउंड सैनिटाइज़र आता है वो डालिए, और आप लाल दवा का प्रयोग करिए। और एक चीज़ और, खाने में आप समय समय पर नमक का भी प्रयोग करिए, क्योंकि नमक से मछली की जो पाचन शक्ति है वो बढ़ती है और मछली की इम्यूनिटी है वो भी स्ट्रांग होती है। उसके अलावा आप अच्छी कंपनी का प्रोबायोटिक है वो भी आप 15 दिनों में एक बार ज़रूर अच्छी कंपनी का प्रोबायोटिक तालाब में डालिए, ताकि जो प्रोबायोटिक मछली के हेल्थ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आइए, ये पानी के इन्वायरमेंट को भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, साथ ही साथ मछली के शरीर में उसकी पाचन शक्ति को बढ़ाती है और मछली की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है दोस्तों उसको स्ट्रॉन्ग करती है। तो इस वजह से अगर आप खाना ही बस खिला रहे हो तो क्या होता है, बहुत बार मछली की पाचन शक्ति खराब हो जाती है। तो प्रोबायोटिक अगर डालते रहेंगे ना तालाब में तो उसका इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा रहता है। और अगर बात करें कि ये मछली कितने दिनों में तैयार हो जाती है, तो ये मछली अगर आप 10 ग्राम के बच्चे डालेंगे, 10 से 15 ग्राम के, तो आसानी से 5 से 6 महीने में इस मछली को आप तैयार कर लेंगे। और अगर पॉलीकल्चर कर रहे हैं तो अलग से आपको एमसी मछली को खाना खिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पंगास के लिए फीडिंग कराइए, जो भी बचा खुचा होगा, जो भी प्राकृतिक भोजन होगा वो तालाब में अच्छे से बना हुआ मिलता है। लेकिन अगर आप पॉलीकल्चर कर रही हैं कार्प मछली के साथ पंगास मछली को, तो आपको फर्मेंटेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो पंगास मछली है वो ज़्यादा फिट करने वाली मछली है। तो समय समय पर आप तालाब में सरसों खली, राइस ब्रैन और गोबर का प्रयोग करके, फर्मेंटेशन करके आप तालाब में प्राकृतिक भोजन बनाते रहिए। ये मछलियों के लिए अलग से खाना खिलाने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती, प्राकृतिक भोजन में भी आपकी कार्प मछली पालन हो जाती है ना। तो इस प्रकार से जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपसे शेयर कर दिया है, बाकी इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। आप वाटर पैरामीटर्स को अच्छे से मेंटेन रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती, और अच्छे से इसको फीडिंग कराइए, बाकी कोई दिक्कत होती है तो हमने से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम ज़रूर आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।